अभी सर ने बता दिया, मेरा नाम शिवाकांत शर्मा है और मैं मतलब यही हॉस्टल का छात्र हूँ। मैं यहीं से मैंने पढ़ाई वढ़ाई करी है, जो भी है ठीक है। इसके बाद में अब पहली बात तो है कि मैं, अगर रही बात गाइडेंस की, तो गाइडेंस तो मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि पहली बात है कि आप लोग जहाँ पे हो ठीक है, मतलब आप बस समझ लो कि ज्ञान के महासागर में हो आप जहाँ से जितना भी आपको ले सकते हो, आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे मुझे लगता है। और अगर कभी भी कंफ्यूजन है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं ये कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो तो आप बस आँखें बंद करके सर को फॉलो करो। अगर ये आपसे कुछ भी कह रहे हैं, अगर आपका पढ़ने का मन, अगर ये आपसे कह रहे हैं कि आपको वहाँ पर काम करना है ठीक है, तो आप ये समझ लो कि वहाँ पर निश्चित रूप से अगर आप पढ़ाई करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो, आप काम करो वो। अगर आप आँखें बंद करके सर को फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो है किसी भी तरीके से सक्सेस में आपके कोई प्रॉब्लम आएगी। और बाकी वही बात है कि सर क्या बताएं हम और अगर बाकी तो सब अमर ने बता ही दिया। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो हमसे, अगर किसी भी तरीके से, तो अगर हो सकेगा तो मैं बताऊँगा आपको। अगर कोई भी तैयारी हो तैयारी के बारे में अपनी, और कोई अगर कोई जानकारी लेनी है या किसी भी तरीके से के बारे में जो हम लोगों से हो सकेगी, वो हम लोगों को हम बाकी अगर जैसे कि जो डर लगता है, मैं बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सुनी टॉपर्स के बारे में, अभी हमने यूपीएससी के किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा तो बोल रहा है कि 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 20 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे हम लोग डर जाते हैं कि ये देखो 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे तो 4 घंटे नहीं हो पा रही, हमारा कैसे होगा। तो ये बहुत, देखिए मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ सर यहाँ पे, मतलब तो मुझे लगता है ऐसा कि वो सब झूठ बोलते हैं सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी कंटिन्यू 18 घंटे 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉपुलैरिटी के लिए बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ये कर सकते हो, अगर आप कंटिन्यू 6 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, 5 से 6 घंटे, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके लिए इफिशियंट है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, लेकिन जो उसके बाद आपका जो टाइम है, जिस टाइम में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो भी आप कोशिश करो कि उस टाइम को भी आप पढ़ाई के रूप में जैसे यूटिलाइज करें। जैसे कि आज के, अभी मैं सर बोलना चाहूँगा कि अगर जैसे आजकल ऐसा है कि हर किसी को बात बात भी करनी होती है, मान के चलो पढ़ाई करी फिर आराम से इधर फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि पढ़ाई तो हमने कर ली, हमने बात भी करनी है जो भी, तो आप चाहे व्हाट्सएप पर बात करें, तो आप कोशिश करा करो कि उससे मतलब जो पढ़ाई के माहौल में ही रहें। भाई देखो बात तो हमने करनी है ना, तो फालतू की बात करो किससे, प्राइज़ की बात कर लो कोई ना कोई। अब आपका फ्रेंड आप बात करो तो जाहिर सी बात है वो कोई बेकार तो होना ही नहीं, आपके लेवल का ही होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से ज़रूर आप सक्सेस मिलेगी आप सबको। और ये जो बोलते हैं 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोलते हैं सर। बाकी तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान के चलो 15 घंटे पढ़ रहे हो एक महीने तक, उसके बाद आप छोड़ रहे हो तो बेकार है। और अगर आप कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ रहे हो और कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और बस इसी के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का।